अभी मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको समझ आएगी इस गवाही से। ध्यान से सुनो जो लोग पीछे बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी एक जीवित वचन है। बोलो क्या, गवाही भी एक, जैसे बाइबल से हम वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो भी एक वचन है और ये भी एक वचन है। ये इस समय का वचन है, ताजा वचन। आमीन। तो अभी आप सब जानते हो ये बच्ची खुदा की वर्शिपर है, ये वर्शिप करती है यहां पे। क्या करती है, समझे हो? तो ये वर्शिप करती है। मुझे पता है कि सब लोग सोचते थे, मैंने भी विश्वास किया, मैंने भी प्रार्थना की परमेश्वर इसे बेटे से ब्लेस करो। क्या करो, बेटे से ब्लेस करना, पर बेटी हुई। क्या हुई, बेटी हुई। और इसका एक बड़ा कारण है, आज आप समझोगे। ध्यान से समझना जितने लोग बैठ गए या जहां उठे भी खड़े हैं। तो उसका कारण क्या था कि जैसे कुछ समय पहले जब ये हम तब लाइव नहीं करते थे, शायद हम कुछ वीडियो काट कर डालते थे, है ना, कटिंग करके शुरू में हम ऐसे थोड़ा डालते थे। तो उस समय जब जी ये भवन नहीं था, पुराना हमारा भवन था, और ये जब आए तो तब ये बच्ची जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई, तो ऐसे तब भी बेबी गर्ल पैदा हुई। क्या हुई, और उसको लेकर कई लोगों ने ऐसे मन में सोचा, ऐसे हुआ ना, आप बताओ जी पापा जी। हाँ, क्या सोच रहे थे लोग, क्या थोड़ा बताओ मुझे। मतलब इससे पहले भी हमारे बेटी पैदा हुई थी, तो हमारा मन तो बिल्कुल भी, मतलब मन में कोई किसी तरह का विचार नहीं आया कि बेटा क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब हमने गवाही दी, और गवाही देने के बाद जो मेरा मतलब सौरा फैमिली थी जिस गांव से, वहां से भी बहुत से लोग जो परमेश्वर में थे और जो खुदा को नहीं जानते, वो लोग ऐसी बातों को सोचे कि बेटा क्यों नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं अगर। लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, उनके मन में ऐसे विचार आने लगे, तो फिर मतलब मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। और इसको सुनो, ये विचारों को इसने भी सुना सोरे फैमिली से और बहुत सारे मसीह लोग जो खुदा पर विश्वास कर देते। अभी पहला बच्चा था, पता नहीं क्या कारण था कि ऐसे कुछ बातें सुनने में आई इसे, और तब इसने एक बात विश्वास से कही। क्या कही, कि परमेश्वर, जैसे कुछ लोग मन खराब करते हैं ना, अगर हुआ काम तो वो बने रहेंगे, नहीं तो प्रभु को भी छोड़ देंगे, ऐसे करते हैं लोग, क्योंकि वो उन्हें नहीं समझ अभी परमेश्वर के प्रेम की। तो इन्होंने ऐसे विश्वास से, ऐसे परमेश्वर के प्रेम के लिए, ऐसे वहां पे उस संगति में ऐसे बोला कि परमेश्वर चाहे मुझे एक बेटी भी, चाहे और भी दो भी दे दे, तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। बोलो क्या है, इसने ये काम तो अच्छा किया कि अपना प्रेम परमेश्वर को दिखाया, परमेश्वर को भी और लोगों को भी। पर एक चीज ये भूल गया कि प्रेम दिखाने के साथ साथ जो हमारा अंगीकार है वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि जिस समय इसने ये, काफी कितने साल पहले की बात है, ये 2017 की बात है, जब इसने ये शब्द ऐसे पर बोल दिए परमेश्वर के प्रेम के लिए। पर तब ये इतना इसे पता नहीं था कि जो हम बोलते हैं वैसा भी पूरा होता है, कि जहां उसके बोलने के बाद हमें कुछ और भी कुछ बाद में बोलना चाहिए। और जिसके कारण मैं आपको बताता हूं ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंगीकार पर बहुत डिपेंड करता है, क्या करता है। और मैं भी जानता था कि इन्होंने एक बार इस बात के लिए ऐसे बोलकर अंगीकार किया था, परमेश्वर को बोला था। और जब ये दोबारा प्रेग्नेंट हुई, ये बेबी होने वाली था, बच्चा होने वाला था, तो तब मैं ऐसे इन्हें जताना चाहता था कि जो बात आपने ऐसे बोली है, जो अंगीकार किया है, कि जैसे लोग इन्होंने लोगों के कारण ऐसे ये बात कही। क्या कही, पर एक बात भूल गए कि मुझे साथ में एक अच्छा अंगीकार भी करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, अच्छा अंगीकार भी करना चाहिए था। पर ये सिर्फ इसलिए इन्होंने ऐसा बोल दिया परमेश्वर के प्रेम के लिए, और जो लोग ऐसे अलग अलग तरह के विचारधारा में उनके मन थे, तो इसलिए मैं जानता था और मैं इन्हें बताना चाहता था इस बात का। मैं
इस अंगीकार को, मैं इस गलत अंगीकार को मैं तोड़ना, ऐसे फिर से बैठाकर इन दोनों, है ना, इस दोनों को, पर पता नहीं परमेश्वर जानते हैं ऐसे कुछ ही ऐसे से मुझे रोक रही है। क्या कर रही है? पर मैं इस बात के लिए प्रार्थना भी कर रहा था, नहीं परमेश्वर ये बच्ची तेरी तेरी बेटी की सेवा करते है ये दोनों, क्योंकि ये बेटा भी मीडिया का काम करता है, लाइव का सारा ये काम यही संभालता है, और ये वर्शिपर है, और दोनों परमेश्वर की वेदी की सेवा कर रहे हैं ये। तो मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था, नहीं नहीं परमेश्वर आप ब्लेस कर चुके, पर प्रार्थना के साथ साथ जो वचन बोला उसको भी क्या करना था, बोलकर खत्म करना था, पर नहीं हो पाया। ऐसे जैसे पॉलस भी कहता है कि शैतान ने मुझे रोके रहा, क्या रहा, शैतान मुझे रोके रहा। ऐसे मुझे भी ऐसे लगता था, मैं चाहता था कि मैं बैठाऊं, पर ये ऐसे जैसे कोई चीज मुझे रोक रही है। क्या रोक रही है? पर मैं ये नहीं है कि ये ऐसे कहें कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, इसलिए ये अपना मन खराब करें, ये खुश हैं। ये कल मेरे पास आए थे शाम को, जैसे ये खुशी आज बेटे की खुशी जैसे आदर सम्मान करते हैं, इसी तरह ये सब अच्छी भेंट लेकर आए, सब कुछ कपड़े मिठाई सब कुछ लेकर आए कल। बोलो क्या, ये नहीं है कि बेटी हुई तो मन निराश है, कुछ नहीं। और एक ये ऐसे आए थे कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं उसके दास से, कि हम दोनों बेटियों, अगर परमेश्वर ने हमें दूसरी भी बेटी दी है तो कोई बात नहीं, हम इन दोनों बेटियों पर ही अपना सारा जीवन व्यतीत करेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। क्या करेंगे? पर ये इसलिए आए, बोलो क्या है, ये इसलिए आए कि हम परमेश्वर के दास के मुख से परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं कि और क्या चाहता है परमेश्वर हमारे जीवन से। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अंगीकार, बोलो क्या है, ये बहुत निर्भर करता है। इसीलिए क्यों नीति वचन में लिखा, तेरे मुंह में जीवन और तेरे मुंह में मौत है, तेरे मुंह में जीवन और तेरे मुंह में मौत है, क्योंकि हमारे शब्दों के ऊपर बहुत निर्भर करता। पर ये नहीं है कि उन्होंने जिस समय बोला तो हो सकता उस समय इनके अंदर परमेश्वर का प्रेम था, पर इस बात को ये अच्छे से समझते नहीं थे। क्या नहीं थे? समझ नहीं थे। जैसे हम बाइबल में अगर देखते हैं तो जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं पकड़वाया जाऊंगा धर्मियों के हाथ और तुम सब मुझे छोड़ कर क्या चले जाओगे, तो पतरस ने कहा ये सब ठोकर प्रभु तेरे नाम से खाएं और खाएं, बोलो क्या खाएं, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपना प्राण भी, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। पर जब समा ऐसे यीशु मसीह ने जब उसने ऐसा बोला तो यीशु मसीह ने कहा तू आज ही रात मुर्गे के बार बांग देने से पहले तू मेरा तीन बार क्या करेगा, इनकार करेगा। क्या करेगा? क्योंकि इनकार करेगा मेरा, क्योंकि वो कह रहा था मैं ये सब लोग तेरे विषय ठोकर खाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब मैं वो बता रहे थे अपने जीवन के बारे कि तुम सब छोड़कर मुझे भाग जाओगे चले जाओ, तो उसने कहा ये सब ठोकर खाएं खाएं पर मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, जो मुझे अगर प्राण भी अपना देना पड़ा तो मैं दूंगा। यीशु मसीह ने कहा आज ही रात मुर्गा भांग देने से पहले तुम तीन बार मेरा इनकार करो, क्या करोगे? पर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, आज जब यीशु मसीह जी उठे, और अब ये वचन को पढ़ना आप यूहन्ना की पुस्तक 1:15-16 और 17 में होगा, वहां पे ऐसे यीशु मसीह ने पतरस को कहा हे शमौन पतरस, हे यूहन्ना के पुत्र, हाँ तू मुझसे प्रेम करता है? उन्होंने कहा हाँ प्रभु, हाँ मैं करता हूं। तो उसने कहा मेरे मेमनों को चरा। फिर उसने कहा हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, तू मुझसे प्रीति करता है? उसने कहा हाँ प्रभु। उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। जब उसने तीसरी बार कहा तो पतरस से व्याकुल और उदास हुआ कि प्रभु तू ऐसे बार बार क्यों ऐसे बोल रहा है कि तू मुझसे प्रेम करता है, तू बार एक बार दो बार ये तीसरी बार क्यों मुझे ऐसे बोल रहा है? क्योंकि वही श्राप, बोलो क्या है, वही श्राप जो पतरस ने तीन बार, जो उसने यीशु मसीह के मरने से पहले कहा था कि मैं अपना जान अपना प्राण मतलब अपना जान भी तेरे लिए दे दूंगा, पर जब हालात आया तो जो प्रभु ने बोला था उसने वैसा किया कि उसने तीन बार यीशु मसीह का इनकार किया। क्या किया? तीन बार उसका इनकार किया। और यीशु मसीह उस वचन को बोलकर उस शराब को जो अपने ऊपर लेकर आया था वो तोड़ रहे थे।
क्या कर रहे थे? वो तोड़ रहे थे, क्योंकि परमेश्वर सच में अपने वचन का बंधा हुआ परमेश्वर। बोलो क्या है? अपने वचन का बंधा हुआ परमेश्वर। समझ आ रही है? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के बाहर कुछ नहीं करते। क्या नहीं करते? जब आदम और हवा ने जब फल खाया, पाप किया, तो परमेश्वर ने पहले ही आदम और हवा को बताया था। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को कहा कि तूने स्त्री से पाप करा है, मैं स्त्री से ही संतान पैदा करूंगा। शैतान जो तेरे सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। क्या करेगा? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के बाहर कुछ नहीं करता। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही कहा। ऐसा नहीं कि शैतान परमेश्वर से बड़ा तब भी मार सकता था, परमेश्वर से खत्म कर सकता ना, पर नहीं, परमेश्वर ने उसे पहले जताया था कि इस फल को ना खाना। इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें लिख कर दी है, पर ना समझने के कारण उसे अच्छे से, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो का अंगीकार पत्रस जैसा नहीं था। जब उनके सामने हालात आया, हाँ, वो राजा का जो जिसने मूर्ति खड़ी की और उसने कहा जो नहीं झुकेगा उसे दंडवत नहीं करेगा, इसके आगे मत्था नहीं टेकेगा, उसे एक जलते हुए, हाँ, मतलब उस पट्टे में डाल दिया जाएगा। तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, हे राजा, चाहे हाँ हमारा परमेश्वर बचाए चाहे ना बचाए, पर हम तेरी मूर्ति के आगे झुकेंगे नहीं झुकेंगे, पर हम जानते हैं कि वो तेरे जलते हुए पट्टे से हमें बचाने की क्या रखता है, क्या रखता है? क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो का जो अंगीकार था वो राइट था, सही था। क्या था? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा प्रेम के लिए कि चाहे बचाए पाए चाहे ना बचाए, पर हम ये पाप नहीं करेंगे, हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, पर हम जानते वो बचाने की भी शक्ति। तो इन्हें भी ऐसा ही बोलना चाहिए था उस समय, पर ये नहीं है कि ये उस समय ऐसे ज्यादा उस वचन को अच्छे से समझते नहीं थे। बोलो क्या थी? अतब सेवा भी शुरू शुरू में थी, नई थी, इतना नहीं पता था, पर आज समझ आई इस बेटी के पैदा होने के बाद कि सच में जो हम बोलते हैं वो होता है। इसमें ऐसा नहीं है, हो सकता किसी के मन में ऐसे हो कि पता नहीं इन्होंने कौन सा पाप किया है, कौन सी गलत चीज की है कि परमेश्वर ने इन्हें बेटा नहीं दिया। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अपना जो वचन जो बोल दिया उसके अनुसार हो गया। बोलो क्या? नहीं तो कईयों के मन में विचार आएंगे, हैं परमेश्वर ने इन्हें बेटा क्यों नहीं दिया, क्या कारण? बोलो क्या? इन्हें क्यों नहीं बेटा दिया? और ये नहीं है कि अगर बेटा नहीं दिया तो ये अपना मन खराब कर रही है। बोलो क्या कर रही है? इस सेवा को, यहां इस चर्च को ये छोड़कर जाना चाहते, ऐसा कुछ नहीं। बोलो क्या? ऐसा कुछ नहीं, ये तो यहां तक मेरे पास परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आए थे कि अगर ठीक है, अगर हम तो इन दोनों बेटियों के ऊपर ही अपना सारा जीवन परमेश्वर की सेवा में व्यतीत करेंगे। जैसे कोई कईयों का होता नहीं है तो वो मन खराब करते हैं, हाँ, यीशु मसीह को भी छोड़कर चले जाते, हमारा काम नहीं हुआ। पर ये एक सच्चा प्रेम है, पर सच्चाई के साथ, उस प्रेम के साथ साथ हमारे शब्दों पर भी बहुत निर्भर करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये इस बात का, क्योंकि मैं हमारे बीच आज परमेश्वर है, मैं चाहता हूं कि ये भी इस बात के लिए अपने हाथों को उठाएं, आप भी उठाओ, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का बंधा हुआ है। पर मैं उस वचन को जो खुदा इन्होंने आज से 2000 साल 17 में जो बोला, परमेश्वर वो तेरे प्रेम के लिए था, पर मैं जानता हूं तू अपने वचन के अनुसार करने वाला है, जो हम बोलते वही होता है। तूने कहा तो मेरे मुंह में जीवन और मौत है परमेश्वर, वो शब्द इन्होंने तेरे प्रेम के लिए बोले थे, पर आज परमेश्वर उस वचन को तेरी ब्लेसिंग में बदलता। खुदा जैसे तूने
पत्रस के जीवन ऊपर के ऊपर जो इनकार का जो शराब था, तूने बोलकर तीन बार बोलकर परमेश्वर उस चीज को आशीष में बदला। खुदा जो भी इन्होंने 2017 में परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए ना समझते हुए बोला, परमेश्वर इन्होंने जो बोला कि अगर और परमेश्वर मुझे एक बेटी दे दे जा एक उससे और भी दे दे, परमेश्वर मैं उस वचन को खुदा तेरा दास होने के नाते आज मेरे परमेश्वर जो बोला वो तेरे प्रेम के लिए था, पर आज परमेश्वर ये बच्चे तेरे सन्मुख हैं, तेरे सामने हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं मांगता हूँ कि परमेश्वर ये अपनी उस बात का तुझसे परमेश्वर उस बात को तुझसे ऐसे मांगे कि परमेश्वर हमें माफ कर। बोलो अपने माइक में बोलो, परमेश्वर हमें माफ कर, परमेश्वर हमें माफ कर। बोलो हमें माफ कर, हमें माफ कर, माफ कर परमेश्वर, परमेश्वर हमें माफ कर। हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे बच्चे हैं, कुछ बातों को हम समझते नहीं, कुछ बातों को हम समझते, पर तू सही समय पर, तू सही समय पर उन बातों को, उन बातों परमेश्वर परमेश्वर प्रकट करता है, प्रकट करता है। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तू जीवित और सच्चा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, तू वादों का परमेश्वर, वादों का परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर, जिस सेवा के लिए, जिस सेवा के तूने हमें दोनों को बुलाया, निश्चय ही परमेश्वर, निश्चय जिस बात की बात घटी थी, घटी थी, वो भी परमेश्वर, वो भी परमेश्वर, आप हमारे जीवन में, आप हमारे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के पूरा कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, आज से हम विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, जिस बात की हमें जरूरत है, जरूरत है, खुदा आप स्वर्ग से, स्वर्ग से हमारे लिए, हमारे इस अंगीकार से, अंगीकार से, इस प्रार्थना से, इस प्रार्थना से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के पूरा कर चुके, पूरा कर चुके। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई, कितने लोगों को समझ आई भी हमारे शब्दों पर बहुत निर्भर करता है। इसीलिए कुछ लोग कुछ भी अपने मुंह से आप शनाप बोलते रहते हैं, कुछ लोग गाले भी निकालते हैं, उसी मुंह से वो धन्यवाद करते हैं और उसी मुंह से वो श्राप भी लोगों को देते हैं। जैसे मान लो किसी ने किसी का बुरा कर दिया तो वो भी उसे वो वैसे ही बोले, क्योंकि उन्हें पता नहीं। बोलो क्या है, इसीलिए बहुत सारे मसीही लोग ब्लेस नहीं होते, आशीष नहीं, क्या नहीं होते, समझो मेरी इस बात को, क्योंकि जिस मुंह से हम धन्यवाद करते हैं और उसी मुंह से कोई लोग श्राप किसी को बोलकर दे देते हैं, गाले भी निकाल देते हैं, और वो श्राप वाली चीज है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, पत्रस की पुस्तक में लिखा कि ऐसे बाइबल में लिखा कि बुराई करने वालों के लिए परमेश्वर बेमुख है, जो अपने मुंह से बुरा बोलते हैं। बोलो क्या है, बेमुख है परमेश्वर, समझ आ रही है। इसलिए अपने जीवन की, इसलिए परमेश्वर ने कहा चौकसी करो, क्या करो, अपने जीवन की चौकसी करो। इसलिए आपको इस गवाही से समझ आ गई होगी, हाँ, कि ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसे पाप कर दिया, जैसे मैंने अपने जीवन की गवाही दी ना, मेरे जो हालात आ गया था, ये एक अंगीकार था परमेश्वर के प्रेम के लिए, और कह लो कि ये इन्हें इतनी समझ नहीं थी, ये इसलिए हुआ, पर अब नहीं है, अब सब कुछ सही हो चुका है। तारीफ करो, इसलिए सारी तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, क्योंकि परमेश्वर सच्चा और आमेन। ओके, ठीक है, हाँ, परमेश्वर आपको बरकत दे। देखो इससे भी परमेश्वर इस बच्ची से, देखो कितनी खूबसूरत बच्ची है ना, हाँ, इससे भी परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को प्रकट कर चुका है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया।